हाँ जी भाई, तो वेलकम आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो यूएसए T10 लीग खेली जा रही है, इसका भाई जो आज के दिन का फर्स्ट मैच और टूर्नामेंट की बात करें तो मैच नंबर 7th जो कि खेला जाएगा मॉरिस वैली यूनिटी वर्सेज अटलांटा राइडर्स के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। एक एक प्लेयर के बारे में बताऊंगा, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका सलेक्शन आपको लो देखने को मिलेगा लेकिन जो परफॉर्मेंस आपको हाई देकर जाएंगे, ऐसे बहुत से प्लेयर आपको यहां पर मिलने वाले। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा। पिच रिपोर्ट की बात करेंगे, एवरेज स्कोर की बात करेंगे, सारी चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो एक लाइक जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक काफी ज्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए और ज्यादा मेहनत करके, मतलब और ज्यादा रिसर्च करके वीडियोज बनाने के लिए। तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। अब अगर बात करें सबसे पहले भाई डेट एंड टाइमिंग की, तो डेट रहेगी आज की, टाइमिंग रहेगी शाम को 7 बजे, यानी कि अब से लगभग लगभग 2 या 3 घंटे बाद मैच खेला जाना। जब आपको वीडियो मिलेगी तब ऑलमोस्ट 2 घंटे या उससे थोड़ा ज्यादा टाइम बचा हुआ होगा। बात करें वेन्यू की, तो सेंट्रल ब्रोवर्ड पार्क लॉन्डर हिल में मैच होने वाला है। अब यहां पर बात करें पिच रिपोर्ट की, तो बैलेंस विकेट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी खासी हेल्प है। देखिए जितना शॉर्ट फॉर्मेट का मैच होगा ना उतने ज्यादा हाई चांसेस रहेंगे कि मैच हाई स्कोरिंग यहां पर देखने को मिले। एवरेज स्कोर 90 से 110 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि टॉस के बाद जो हमारी फाइनल टीम है वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो अभी के अभी जाइए, पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, बाद में सारे काम। अब यहाँ पर अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट टीम परफॉर्मेंस की, तो MRV टीम के यहाँ पर भाई 3 मैच हुए, 3 मैच में से 1 मैच नो रिजल्ट, 1 मैच जीता और 1 मैच यहाँ पर इनका हारा हुआ है, ठीक है। 3 मैच में से यहाँ पर 1-1-1 इनका रहा है। वहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा जो अटलांटा राइडर्स की टीम है, इनका 1 मैच हुआ है जो भाई नो रिजल्ट में एंड हुआ था। अब अगर बात करें यहाँ पर MRV की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिस गेल आपको दिखेंगे 17-12-3-4-1, रिसेंट फॉर्म बिल्कुल ख़राब है लेकिन भाई बाउंड्रीज यहाँ पर छोटी और यूनिवर्स बोर्ड से पावर रेटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भाई अभी एज का भी एक फैक्टर इनके अगेंस्ट में जा रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर भी अगर आप चाहो तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, मैं रिकमेंड करूँगा ओनली GL मिनी GL के लिए। बात करें पार्थिव पटेल की, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, एज कंपेयर टू क्रिस गेल एज भी काफी कम है और भाई टेक्निकल साउंडेड बैट्समैन है, साथ ही साथ विकेट कीपिंग से पॉइंट दे सकते हैं, ठीक ठाक प्लेयर है, बैक कर सकते हो। वहीं अगर बात करें सेहान जयसूर्या, 5 रन लास्ट मैच में, उससे पहले यहां पर आप देखोगे तो बॉलिंग करवा नहीं रहे इस टूर्नामेंट में, अदरवाइज भाई यहां पर काफी इंपॉर्टेंट अपने लिए हो जाते हैं। पहले मैच में यहां पर 5 रन, उससे पहले वाले में यहां पर 28 रन, उससे पहले 48 रन 3 48 रन 3 विकेट, यहां पर 1 रन 3 विकेट, बड़े ही इंपॉर्टेंट प्लेयर अपनी टीम के लिए। अगर बॉलिंग करवाते तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा ओबस पिनार की बात करें, तो यहां पर आप देख सकते हो ओबस पिनार ने भी यहां पर काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है, लास्ट मैच में 33 रन, उससे पहले 35 रन, 1 विकेट, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बैक कर सकते हो। कोरी एंडरसन 13 रन, यहां पर भाई बॉलिंग इन्होंने की नहीं, उससे पहले 8 रन 1 विकेट, उससे पहले 8 रन 0 विकेट, 14 रन, यहां पर 14 रन। अगर बैटिंग बॉलिंग दोनों करते तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट अगर कहीं से कंफर्मेशन आती है कि भाई ये बैटिंग करेंगे तो भाई फिर मतलब अगर बॉलिंग नहीं करेंगे तो फिर भाई काफी रिस्की पिक हो जाएंगे, उस कंडीशन में हम इन्हें ड्रॉप कर देंगे। कैल्विन सेवेज की बात करें, तो यहां पर आप देख सकते हो लास्ट मैच में 6 रन 0 विकेट, उससे पहले 6 रन 1 विकेट, उससे पहले 3 रन 3 विकेट, यहां पर 6 रन 1 विकेट, यहां पर 14 रन 0 विकेट। हरभजन सिंह की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 विकेट इन्होंने निकाला लास्ट मैच में, उससे पहले बॉलिंग करवाई नहीं, ना ही बैटिंग आई, इससे पहले 34 रन और यहाँ पर भाई बॉलिंग नहीं करवाई, यहाँ पर 0 विकेट, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 5 रन इन्होंने बनाए हुए थे। बात करें भाई डेन पीडियट की, तो ठीक ठाक प्लेयर है, अगर भाई फर्स्ट इनिंग में इनकी टीम बॉलिंग करती है तो आप इन्हें 101% ट्राई कीजिएगा, फिर ये डेथ में गेंदबाजी करेंगे और आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। नजफ शाह की बात करें, अगेन एकमात्र लेफ्ट आर्म पेसर है इनकी टीम का, इंपॉर्टेंट प्लेयर है,
रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी खतरनाक है, अगर फर्स्ट इनिंग बॉलिंग आते तो मास्टर पिक। ऐसे रिसेंट की बात करें, देखिए ज़्यादा कुछ खास फॉर्म में इनके है नहीं, बाकी अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, मैं रिकमेंड करूँगा जीएल मिनी जीएल के लिए। एन स्टेवर्ट की बात करें तो अभी देखिए दो मैच हुए, ना बैटिंग की है ना बॉलिंग की है, तो ऐसे प्लेयर को आप अगर लेते हो तो भाई काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहेगा, बाकी फिर भी अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। बात करें अगर एआर की प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस प्लेयर्स की रिसेंट फॉर्म की, तो वो भी आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले भाई यहाँ पर रॉबिन उथप्पा टीम के कैप्टन भी है यहाँ से, और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ज़रूर से बैक कीजिएगा। लास्ट मैच में भाई इनका जो नो रिजल्ट में एंड हुआ था उसमें भाई इनकी बैटिंग, क्योंकि वो मैच ही स्टार्ट नहीं हुआ तो भाई यहाँ पर बैटिंग इनकी आई नहीं। यहाँ पर उससे पहले देखो तो 88-17-6-53 अच्छी खासी फॉर्म में थे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लैंडन सिमंस की बात करें ठीक ठाक प्लेयर है, ओपन कर रहा है, और साथ ही साथ भाई वेस्ट इंडीज का बल्लेबाज है तो पावर हिटिंग तो मिलेगी, बैक कर सकते हो। ड्वेन स्मिथ की बात करें लास्ट मैच में यहाँ पर भाई ज़्यादा कुछ इन्होंने किया नहीं, उससे पहले बैटिंग बॉलिंग कुछ की नहीं, ठीक ठाक प्लेयर है, मैं रिकमेंड करूंगा इस कंडीशन में आपके लिए एक मस्ट ऑफ पिक रहेंगे। वैसे कुछ खास नहीं है लेकिन एक छोटा फॉर्मेट और वन डाउन बैटिंग प्लस भाई यहाँ पर अगर एक ओवर भी डाल देते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ग्रांट इलियट भी बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इन्हें भी हम ट्राई करेंगे। इसके अलावा फरहाद रजा, इन्हें आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बॉलिंग के हिसाब से भाई बड़ी अच्छी फॉर्म है, यहाँ पर 3 विकेट 3 विकेट, यहाँ पर 2 विकेट, इन्हें बैक कर सकते हो। हमद आजम, अगर इनका बैटिंग ऑर्डर यही रहता है ना तो फिर 100% आप इन्हें अपनी टीम से ड्रॉप कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी नीचे बैटिंग आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। रियाड एमरेट, अगर फर्स्ट इनिंग में इनकी बॉलिंग आती है तो डेथ में गेंदबाजी भी करेगा, प्लस आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा। जुनैद सिद्दीकी, ये बंदा भाई 2 ओवर में 4-5 विकेट भी लेकर जा सकता है, जिस हिसाब से अभी इसकी फॉर्म चल रही है ना, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फॉर्म में चल रहा है, 3 विकेट 2 विकेट 4-4-2 लगातार भाई डेथ में गेंदबाजी करके विकेट निकाल रहा है, तो मेरे हिसाब से भाई जुनैद सिद्दीकी एक सीबीसी का भी ऑप्शन आपके लिए रहेगा। कामरुल इस्लाम की बात करें ठीक ठाक प्लेयर है, 5 मैच में से सिर्फ एक ही मैच में 2 विकेट इन्हें जरूर मिले। इलायस सन्नी को जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। हरमीत सिंह ठीक ठाक प्लेयर है, चाहो तो एक एज ए डिफरेंशियल पिक बैक कर सकते हो, बाकी मैं रिकमेंड करूंगा जीएल मिनी जीएल के लिए। अब अगर बात करें टीम की तो टीम बना के दिखाऊँ, उससे पहले याद दिला दूँ दोस्त टेलीग्राम चैनल के बारे में, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अभी के लिए मैं रॉबिन उथप्पा को ले रहा हूं यहां से, कोरी एंडरसन को मैं अपनी टीम में रख रहा हूं, लैंडन सिमंस को रख रहा हूं, ड्वेन स्मिथ को अपनी टीम में रख रहा हूं। बात करें अगर ऑलराउंडर सेक्शन की तो यहां से देखिए ग्रैंट एलियट मेरी टीम में रहेंगे। अब देखिए यहां पर जो प्लेयर नहीं खेला, चतुरंगा डिसिल्वा होगा, दिलशान मुनावीरा होगा, नुआन कुलशेखरा होगा, अगर ये खेलते हैं तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम पर, बट अगर नहीं खेलते तो भाई फिर ज्यादा प्लेयर के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है, तो इसीलिए अभी मैं इनके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा। यहां से हरभजन सिंह मेरी टीम में रहेंगे, ओपनर मेरी टीम में रहेंगे। इसके अलावा रियाड एमरिट को आप ट्राई कर सकते हो, सहान जयसूर्या को आप ट्राई कर सकते हो, अभी के लिए खैर मैं नहीं कर रहा। बॉलिंग सेक्शन में जुनैद सिद्दीकी मेरी टीम में रहेंगे, इसके अलावा भाई यहाँ पर डेन पीडियट को आप ट्राई कर सकते हो, या फिर भाई एस नजफ शाह, मेरे हिसाब से एस नजफ शाह बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इन्हें मैं अपनी टीम में जरूर बैक करूंगा। इसके अलावा जो थर्ड मेरा बॉलर है वो या तो भाई यहाँ से एस श्रीसंत रहेगा, या फिर भाई यहाँ से मेरी टीम में रहेगा डेन पीडियट, ठीक है, अभी के लिए खैर मैं श्रीसंत को लेकर चल रहा हूँ। अगर बात करें लास्ट प्लेयर की तो रियाड एमरिट को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ, सेफ अगर आपको है तो यहां से भाई आप कहां गया क्रिस गेल को ट्राई कर सकते हो या फिर पार्थिव पटेल को, बट अभी के लिए मैं जा रहा हूं किसके साथ भाई, रैड एमरिट के साथ। कहां गया भाई ये रहा। सी वी सी की बात कर लेते हैं तो कैप्टनसी जो है वो अभी के लिए मैं ओपनर को दे रहा हूँ, वी सी की बात करें ड्वेन स्मिथ को दे रहा हूँ, बाकी अगर आप चाहो तो कोरी एंडरसन, लैंडन सिमंस या फिर रॉबिन उथप्पा को भी एज ए सी वी सी लेकर जा सकते हो अपनी टीम में। बात करें अगर टीम के प्रीव्यू की तो वो आपकी स्क्रीन पर है, ऑलमोस्ट फाइनल टीम है, कोई भी चेंजमेंट होता है कोई भी अपडेट आती है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर मिलेगी, बाकी मैं मिलता हूँ मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।